ओला एस वन परिवाय। मैं मूल रूप से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में था और आखिरकार मुझे एक मिल भी गया, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई थीं। लेकिन इसके बावजूद मैंने फिर भी सिफारिश की और अपने भाई के लिए ओला एस एक X4 KWH लिया। इसके प्रमुख कारण थे, एक, मेरे भाई की मूल 2011 मॉडल पल्सर उसे सिरदर्द दे रही थी, ईंधन और मरम्मत पर प्रतिदिन 200 रुपए से अधिक खर्च दिन ब दिन बढ़ रहा था। दो, उन्होंने अपने घर पर 5 किलोवाट की सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित की थी और यह मार्च 3 से काम कर रही थी। अप्रैल के अंत में अपनी नई नौकरी में स्थानांतरित होने के बाद अपनी बाइक का रखरखाव करना और ईंधन बिल का भुगतान करना बहुत महंगा साबित हुआ और प्रति माह 6000 रुपए से अधिक का खर्च आया। इसलिए उसकी नई नौकरी के लिए उसे प्रतिदिन कम से कम 70 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, कभी कभी 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती थी। साथ ही ईंधन और रखरखाव के बिल उसकी जेब में भारी पड़ रहे थे। मैंने उसे सुझाव दिया, क्यों न उस पैसे का उपयोग एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए किया जाए। यदि आवश्यक हो तो आप EMI में भुगतान कर सकते हैं और यह अभी भी आपकी बाइक के रखरखाव से सस्ता होगा। इसके अलावा चूंकि आपकी सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली में अतिरिक्त क्षमता थी, उपयोग मुश्किल से प्रतिदिन 8 से 10 यूनिट था, जबकि उत्पादन प्रतिदिन 21 से 24 यूनिट से अधिक था। और चूंकि हमारा बिजली वितरण बोर्ड काफी लालची था और केवल 2.67 रुपए प्रति यूनिट की पेशकश करता था, अतिरिक्त उत्पादन के लिए और अतिरिक्त उपयोग के लिए हमसे 5.5 रुपए से 7.5 रुपए प्रति यूनिट के बीच शुल्क लेते थे। मैंने उनसे कहा, सबसे अच्छी बात जो वह कर सकते हैं वह यह है कि आप जो बिजली पैदा करते हैं उसका अच्छा उपयोग करें। इसलिए बहुत सारे नंबर क्रंच करने के बाद यह आसानी से समझ में आया कि भले ही आप मूल्यह्रास, बिजली की लागत और रखरखाव को ध्यान में रखते हैं, नए स्कूटर पर भुगतान की जाने वाली EMI पुरानी बाइक के रखरखाव से जुड़ी लागत की तुलना में बहुत कम थी और इलेक्ट्रिक स्कूटर कहीं अधिक समझदारी भरा मामला होगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनने का फैसला किया।